हेलो आर्ट लवर्स, मैंने आपको अपने पहले वीडियोस में मिनिएचर पेंटिंग्स बनाना सिखाया था और अब मैं उन पेंटिंग्स के थ्रू वॉल हैंगिंग कैसे बना सकते हैं ये आपको बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए हमें कुछ पेंटिंग्स, डबल साइडेड टेप, रोप, सेलो टेप, पेपर क्लिप्स और सीजर्स की ज़रूरत होगी। और इस वॉल हैंगिंग को बनाने के लिए मैंने जो मिनिएचर पेंटिंग्स का यूज़ किया है वो ऑलरेडी मैंने दो साइज़ में बना के रखी हैं। स्मॉल साइज़ 10x10 सेंटीमीटर, बिग साइज़ 13x11 सेंटीमीटर। इन पेंटिंग्स को बनाने का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेंटिंग्स बनाने के लिए मैंने कैमल के आर्टिस्ट वाटर कलर केक यूज़ किए हैं। ये बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं यूज़ करने में और इसमें आपको ज़्यादा शेड्स भी प्रोवाइड होते हैं। ड्राइंग्स बनाने के लिए आप स्मॉल साइज़ के ब्रशेस और पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। एन इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने अपनी मिनिएचर पेंटिंग कम्प्लीट होने के बाद उसके बैक साइड में एक हार्डबोर्ड का यूज़ किया है ताकि हमारी पेंटिंग और फाइन लगे। आप कोई भी वेस्ट हार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब हम वॉल हैंगिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वॉल हैंगिंग मैंने अपनी स्मॉल साइजेस की पेंटिंग से बनाया है। पहले हमें रोप को स्ट्रेट रखना है, देन मिनिएचर पेंटिंग को 1x1 रोप में पेपर क्लिप के थ्रू पिन करना है, लाइक दिस। पेंटिंग्स के सेंटर का साइज इक्वल रखना है। आप चाहे तो पेंसिल से मार्क भी कर सकते हैं। अब हमारा वॉल हैंगिंग रेडी है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड वॉलिंग में हम डबल साइडेड टेप का यूज़ करेंगे। डबल साइडेड टेप के स्मॉल पीसेस कट करके आप साइड में रख लीजिए। मैंने बाउल का यूज़ किया है, देन रोप को डबल फोल्ड करके स्ट्रेट रखना है, देन पेंटिंग्स को 1x1 रोप के बैक साइड में सेट करिए। सेट होने के बाद डबल टेप से रोप को पेंटिंग पे पेस्ट कर दीजिए। नाउ वॉल हैंगिंग इज रेडी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फर्गेट टू लाइक एंड शेयर।